चलो चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। वेल्ड लाइन क्या होती है, एक हमने वीडियो डाल चुकी है वेल्ड लाइन की, और ये वेल्ड लाइन की भी देने जा रहे हैं। ट्रबल शूटिंग वेल्ड लाइन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में लो फ्लेबिलिटी ऑफ मटेरियल एयर ट्रिप इन मोल्ड। फ्लेबिलिटी कम होगी हमारी मटेरियल की, मतलब अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो वेल्ड लाइन आएगी एयर ट्रिप। जो मोल्ड मोल्ड में एयर ट्रिप मार लग रही हो, एयर मतलब क्या होते हैं उसे बोलते हैं, पेंटिंग सही से काम नहीं कर रही होगी, ये ट्रप लगेगी उसमें तो वेल्ड लाइन होगी। फ्लेबिलिटी इंक्रीज वेल्ड टेम्परेचर, फ्लेबिलिटी बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे वेल्ड टेम्परेचर के लिए इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज मोल्ड टेम्परेचर के लिए बढ़ाएंगे, इंक्रीज बैक प्रेशर, इंक्रीज इंजेक्शन प्रेशर, इंक्रीज इंजेक्शन स्पीड, होल्डिंग टाइम, प्रेशर वो क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज चार्जिंग मटेरियल्स के बढ़िया बढ़ाएंगे, और इसको रोटेशनल स्पीड कब बढ़ाएंगे कब नहीं कब घटाएंगे ये ठीक है जानते हैं। तो प्लास्टिक अमर पोअर और क्रिस्टलाइन, तो ये अमर पोअर प्लास्टिक में स्क्रू की रोटेशनल स्पीड के लिए हम क्या करेंगे बढ़ाते हैं, और जो क्रिस्टलाइन अमर प्लास्टिक होती है उसे हम उसमें घटाते हैं ठीक है। तो ये अगला पॉइंट देखते हो, वैन द एयर ट्रैपड इन द साइड मोल्ड क्लीन द एयर लाइन ऑफ कोर एंड कैविटी डिग्रेस द इंजेक्शन स्पीड एंड प्रेशर, इंजेक्शन और प्रेशर के लिए कम कीजिए, और मोल्ड की जो कोर कैविटी है सरफेस होती है उसे साफ कीजिए ठीक है। इसके लिए बढ़ाना इंजेक्शन प्रेशर स्पीड के लिए तो साफ करेंगे। तो अगला पॉइंट देखते हैं, डिग्रीज क्लैंपिंग फोर्स, और क्लैंपिंग फोर्स के लिए कम कर सकते हैं ठीक है। इनक्रीज ट्रांसफर ऑफ स्विच ओवर पोजीशन के लिए हम बढ़ाएंगे ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक लीजिए।